नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं धरुद्र एस्ट्रोलॉजी। आज हम वास्तु के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि वास्तु क्यों महत्वपूर्ण है, वास्तु कितना जरूरी है और हर एक व्यक्ति का स्वप्न होता है कि वह अपना खुद का एक घर बनाए। उस घर में वह अपने परिवार के साथ सुख शांति और समृद्धि से रहना चाहता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति गलत मुहूर्त में गलत समय में गृह प्रवेश कर लेता है तो उसका संपूर्ण जीवन विस्मय हो जाता है, कोई न कोई परेशानियां उसे भुगतनी पड़ती है। तो ऐसी परेशानियां आपकी जिंदगी में न हो और सदैव खुशहाली आपके द्वार पर खड़ी रहे, ऐसी शुभकामना हम आपको देते हैं। परंतु इसके लिए आपको योग्य मुहूर्त में गृह प्रवेश करना होगा। इस साल 2020 के बाद 2021 में दीपावली के बाद कितने नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक कितने गृह प्रवेश और कलश स्थापन के शुभ मुहूर्त है, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें, अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये थे 2020 और 2021 के गृह प्रवेश और कलश पूजन के शुभ मुहूर्त। कुछ आवश्यक नियम है जो हम इस वीडियो में आपको बताते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रथम, आप जब नए गृह में प्रवेश करें तब वास्तु पूजा अवश्य करवानी चाहिए। अन्नपूर्णा देवी का पूजन कीजिए और द्वार शाखा का भी पूजन अवश्य करवाना चाहिए। उसके बाद योग्य मुहूर्त के समय आपको गृह प्रवेश करना है। किसी भी दिन चले आए ऐसे गृह प्रवेश नहीं करना और वास्तु जो यज्ञ आप घर में करवाएं उसका भी योग्य मुहूर्त योग्य और विद्वान आचार्य के पास ही निकलवाना चाहिए। और जब भी आप गृह प्रवेश करें तब कुंवारिकाओं का भोजन भी करवाना चाहिए। जो कुंवारी लड़कियां होती है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, ऐसी लड़कियों को भोजन करवाना उत्तम होता है और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बने रहे, इसलिए माता रानी का आशीर्वाद भी लेना अत्यंत अनिवार्य है।
गृह प्रवेश के समय अपने कुल देवता इष्ट देवता का भी ध्यान पूजन और आवाहन करना चाहिए। नए ग्रह में जब प्रवेश करें उसके मंदिर की जब आप पूजा करें तो गणपति की स्थापना अवश्य करवानी चाहिए और कितने मंदिर में कितने देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए इस विषय में हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया है। आई बटन में आप वो वीडियो देख सकते हैं कि घर में कैसी मूर्तियां और कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने रिश्तेदार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ।